अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद साथियों, मैं शीराज खान, हैदराबाद तेलंगाना। बहैसियत कांग्रेस लीडर आज रियासत तेलंगाना में भी अपोजिशन को अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, जहां पर जो हुकूमतें हैं वो आम नागरिक के सुविधाओं के लिए या उनकी मांगों के लेकर वो अपडेट नहीं है। अभी अभी हमने देखा है कि रियासत तेलंगाना में एक तरफ ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन ने ये मांग की है कि उन गरीब लोगों के खाते में 5,000 रुपया डाल दिया जाए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हर गरीब फैमिली को 5,000 रुपया देकर ऐसे COVID-19 के हालात में उन्हें राहत पहुंचाई है। और दूसरी तरफ तेलंगाना जैक एसोसिएशन ऑफ द एडवोकेट्स ने भी ये मांग की है कि जब तेलंगाना अलग हुआ था तो 100 करोड़ रुपये वहाँ पर जमा करा दिए गए थे। तो आज हाईकोर्ट के सामने जो धरना हुआ था सारे एडवोकेट्स का, इस मांग को लेकर कि उस पैसे का क्या हुआ है और कितना इंटरेस्ट अभी तक जमा हुआ है और क्यों नहीं एडवोकेट्स भी ऐसे हालात में बगैर कोई केसेस के, बगैर कोई काम के, वो किस तरीके से 2 महीने से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी मांग को लेकर एक तरफ एडवोकेट्स अपनी मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी कुछ पैसा दिया जाए और दूसरी तरफ ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन ने भी ये मांग की है। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत तेलंगाना के ये 2 जायज़ मांगों को पूरा करना चाहिए, अदरवाइज हम ऑर्गेनाइजेशंस इनके सपोर्ट में ज़मीन पर उतरेंगे और भारी तादाद में आपके सामने प्रोटेस्ट को अंजाम देंगे। जय हिंद।